पत्रांक 449 भाग 4 449 पार्ट 4 विषय असंगता ज्ञाता भाव तारीख 13/9/1999 नमो अभियंताओं नमो शिक्षाओं नमो आयुर्वेद नमो योगचार नमो योगस्वपुष्पाय नमो समय सावाय स्वामी भूतिया चकास्तु चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान परिचिते मंगलं भगवान वीर मंगलं गौतम मंगलं पिंड पिंडार जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल सर्व कल्याण कारकम श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 449 449 सुबह और दोपहर में लिया, अभी आगे के पोर्शन लेते हैं। दूसरा जो पैराग्राफ अपने लिए थे वो ये था कि ज्ञानी पुरुष के समागम का अंतराय रहता हो तो उस प्रसंग में वारंवार उन ज्ञानी पुरुष की दशा चेष्टा और वचनों उनका निरीक्षण करना, उनको स्मरण करना और विचार करना योग्य है। और उस समागम के अंतराय में प्रवृत्ति के प्रसंगों में अत्यंत सावधानी रखना योग्य है, क्योंकि एक तो समागम का बल नहीं है, सत्संग नहीं मिलता है तो वीकनेस तो वहां आ जाती है, और दूसरा अनादि अभ्यास है जिसका ऐसे सहजाकार प्रवृत्ति राग द्वेष करने वाली प्रवृत्ति चालू है जिससे जीव आवरण प्राप्त होता है, मतलब चश्मे के नंबर बढ़ जाते हैं, विवेक काम नहीं करता है, क्या करना हो क्या करना नहीं सूझता है, आवरण हो जाता है, ज्ञान के ऊपर पर्दा आता है। आए तो शक्ति वाला है ज्ञान, लेकिन पर्दा आता है तो देख नहीं पाता है, आंखें आगे पर्दा आवे तो देख नहीं पावे। और यहाँ तक के तरण एक छोटा सा कड़ी खड़ी हो ना तणक लेके, लेकिन वो आगे आएगा तो डूंगर नहीं देखेगा, तरना उठे डूंगर रे, डूंगर देखा है नहीं, तो छोटा सा आवरण भी नहीं चलेगा। तो अगर जागृति नहीं रहेगी तो जीव आवरण प्राप्त हो जाएगा, एक सत्संग नहीं है, दूसरा प्रवृत्ति चालू है, बाहर की डेंजर जोन में तो प्रवेश हो चुका है। अब क्या करना कि घर का जाति का और दूसरे वैसे कामों का कारण आने पर का मतलब क्या हो गया कि अपनी मर्जी से जाना ही नहीं है, कोई काम नहीं करना है, लेकिन कारण आया तो फिर सामने से बुलावा आया, डिमांड आई तो की बात है। देखो नौकर चाकर आते हैं दुकान में तो कैसे करते हैं, अपने आप कोई चीज नहीं उठाते हैं, अपने आप कोई चीज नहीं करते हैं, बोला गया है तो ही करेंगे। तो कुछ बातें ऐसी होती है नौकर को तो बोल देनी पड़ती है कि भैया तुमको हमको बोलने की जरूरत नहीं, तुम सफाई चालू रखना, खाली नहीं बैठे रहना, तो सफाई का काम चालू रखता है, अरेंजमेंट करने का, व्यवस्थित जमाने का काम चालू, लेकिन दूसरा कुछ काम नहीं कर पाएगा वो, जब हम बोलेंगे तभी वो काम करेंगे, ये माल पैक करो तो करेगा, बिल बनाओ तो बनाएगा, देखो बस वैसा हमको रहना है, कारण आने पर ही काम करना है, कारण नहीं आया तो काम नहीं करना है, तो अपने ध्यान में ही लीन रहना है। तो घर का जाति का अथवा दूसरे वैसे कामों का कारण होने पर उदासीन, अब कारण आया तो खुशी खुशी से इन्वॉल्व नहीं होना है, उदासीन भाव से इन्वॉल्व होना है। और उदासीनता की बात क्या है कि नहीं करूंगा, मेरे ध्यान में डिस्टर्ब मत करो, वो भी नहीं चलेगा, और सामने कारण आएगा तो चिड़चिड़ापना करेगा, वो भी नहीं चलेगा, अगर चिड़चिड़ापन का किया तो द्वेष हो जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा तो त्याग वैराग्य हो जाएगा, और काम करने में इंटरेस्ट दिखाएगा तो रुचि हो जाएगी, तो गमने लग जाएगा, संसार अच्छा लग जाएगा। फिर अब उदासीन भाव में रहना है, अब वो कैसे रहना, ये हमारा कुछ नुकसान होता है वो समझ के
ज्ञाता भाव में रहोगे तो उदासीन भाव में रहोगे, ज्ञाता भाव में रहना हो उदासीन भाव, तो चॉइस लेस रहोगे तो उदासीन रह पाओगे। चॉइस किया करूं नहीं करूं तो गड़बड़ है, चॉइस नहीं करना है। हमारी मार्ग में आराधना में वो काम आवे या नहीं आवे, हम जिस रास्ते पे जाते हैं उससे उल्टा रास्ता हो चाहे उल्टा रास्ता हो, लेकिन चॉइस किए तो मर गए, चॉइस नहीं कर सकते, चॉइस नहीं करना है, उदासीन भाव में रहना है, ज्ञाता भाव नहीं ये ठीक नहीं है, मेरा मेरा ज्ञान चला जाएगा, तुम्हारा ज्ञान कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे को छोड़ करके डरने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं विषय कसाय में फंस जाऊंगा तो ऐसा डर रहता है इसलिए मैं फिर त्याग कर देता हूँ, बिल्कुल गलत बात है। विषय कसाय में कौन फंसता है, जिसको संसार में रुचि लगती है वो फंस जाता है, संसार का काम करने से कोई विषय कसाय में नहीं फंस जाता है। अगर लड़के ने कुछ काम दे दिया, डिमांड रखी और वो काम करे तो इससे कोई लगाव नहीं हो जाता है, समझ लेना। वाइफ ने भी कुछ बोला कि ये काम करना है, फिरने को जाना है, पिक्चर देखने जाना है, तो लेके गए तो कोई संसार में मोह नहीं हो जाएगा, मोह कब होगा, उदासीन नहीं रहोगे तो मोह हो जाएगा, जागृति नहीं रखोगे तो मोह हो जाएगा। आपके पास ज्ञान का बल है, उपयोग करो उसका। पहली बार आपने कौन सा इस्तेमाल किया ज्ञान का आधार लेकर के प्रैक्टिस शुरू की और आप बच गए, दोबारा भी वही करो, तीसरी बार भी वही करो, तो उल्टा अनुकूल प्रसंग में जितना वैराग्य नहीं होता है उतना वैराग्य किस में आता है, प्रतिकूल प्रसंग में आता है, प्रतिकूल प्रसंग में ही आपके ज्ञान की कसौटी होती है। अगर आप उस टाइम में उदासीन भाव में नहीं रह पाए, फंस गए, रुचि लगने लगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी वीकनेस है, यहाँ पर आप जाओगे ही नहीं, दूर से ही नमस्कार करोगे तो आपको अपने वीकनेस का पता ही नहीं चलेगा। देखो एक मुमुक्षु थे, वो बहुत अपने को आगे समझते थे, क्या हमको तो वो लेडीज वर्ग है, उनको पैसे का क्या मतलब रहता है, और फिर जितना चाहिए उतना तो जब मांगे तब मिल ही जाता है, क्योंकि बेटे अच्छे कमाते हैं और जब मांगे भाई 5,000 तो 10,000 दे देते हैं, तो पैसे की क्या चिंता करेंगे, पैसे से क्या लगाव हो सकता है। और धर्म ध्यान करते तो उनको ऐसा लगता था कि मेरे को पैसे में कोई लगाव नहीं है क्या। लेकिन एक प्रसंग ऐसा आया जिंदगी में, ऐसे तो बात लड़के लोग छुपा देते हैं, बोलते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से लीक हो गई बात। लीक क्या हुई कि 15 लाख का नुकसान शेयरों में हो गया है, तो अच्छा हुआ संभल गए, नहीं तो पूरे साफ हो जाते थे, बच गए, क्योंकि 40 लगाए थे तो इसमें से 25 बच गए, 40-15 का नुकसान हो गया, अप एंड डाउन चल रहे थे ना, जब वो बात मालूम पड़ी, वो कहीं से लीक होकर के इनको मालूम पड़ गई, हिल गए पूरे। हमको तो इसके ही बार बार विचार आते हैं, धर्म ध्यान दे गए बाजू पे, तो हमको तो हमने कभी पैसा गिना नहीं है, जब चाहे तो मिल गया है, हमको कोई इतना रुचि नहीं थी ऐसा समझते थे, कि ऐसा कहां से हो गया ये सब बात, अवलोकन मारो गोली, वेदज्ञान मारो गोली, और ये फंस गए सारा दिन उसके विचार आते हैं। अब बच्चे ने कमाया, बच्चे ने कमाया, तुमको कहे वो पंचायत, तुमको तो अभी भी मिल रहा है ना जो भी चाहिए सो, लेकिन भाई बार बार उसका ही विचार आता है, ये क्या हो गया कि अभूतिपूर्वक का भाव पड़ा था अंदर में पैसे का मोह, अब तक नहीं मालूम पड़ा क्योंकि टेस्टिंग नहीं हुई, अब टेस्टिंग का सवाल आया तब मालूम पड़ेगा कि कितने पानी में है, कितने वैरागी हो, पैसे को छूते भी नहीं, पैसे का मोह नहीं रखते, वो कितने वैरागी हो, अक्ल कब ठिकाने आ गई। हाँ तो प्रतिकूल प्रसंग आता है तब हमारे ज्ञान की कसौटी होती है और हमारे जो दोष अंदर में चिपके पड़े हैं वो बाहर आने का चांसेस है। ये हमारे को तो ये पहले बात चल चुकी है, लेकिन अपने आपके आने के बाद नहीं चली है, आप 1 साल से आ रहे हो तो वो बात कभी नहीं चली है, आज निकली वो बात कि प्रतिकूलता में हमें हमारे ज्ञान की कसौटी होती है, इसलिए प्रतिकूलता से ज्ञानी कभी घबराते नहीं। ज्ञानी चाहते हैं कि पुण्य न मिले हमारे को, संयोग अच्छे नहीं मिले, वो चाहते हैं। कर्मों की निजरा कहाँ होगी, फाइटिंग में होगी। जब प्रतिकूलता आएगी तो आपको कोई शरण नहीं देगा, तो आप किसकी शरण में जाओगे। जब तक बाहर में मजा आते रहेगी तब तक बाहर ही रोके रहोगे, तो घबराहट होती है किसी को अवलोकन में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, होने दो जितनी घबराहट हो,
तभी तो गुरु की शरण में आओगे, नहीं तो गुरु कौन हम कौन। नहीं आने दो, ये हमारी साधना सही चल रही है। अगर हमको संसार में जन्म मरण की तलवार लटक रही है और हमको मजा आने लगे और घबराहट नहीं होवे तो हम बेवकूफ है। फिर नुकसान होवे और हमको तकलीफ ना होवे कैसे हो सकता है। नुकसान होवे और हमको मालूम पड़े तो हमको घबराहट तो होनी ही चाहिए, रातों की नींद हराम हो जानी चाहिए, तभी तो आप आओगे पूछते पूछते भाई रास्ता बताओ हमको बचा लो, नहीं तो कोई आएगा ही नहीं, कैसे आएगा धर्म परम। धर्म के क्षेत्र के अंदर कोई दुखी होकर के आवे और कोई पुण्य खींच के लेके आवे, दोनों में कितना अंतर है। भूतकाल में हमने अच्छी भावना भाई थी, किसी को हेल्प किया था धर्म के क्षेत्र में, तो हमारा ऐसा उदय हुआ कि ज्ञानी पुरुष का कॉन्टेक्ट हो गया, सत्संग का वातावरण मिल गया। हमारी कोई भावना नहीं थी आत्म कल्याण करने, लेकिन ऑटोमेटिक संयोग ऐसे हो गए, इसमें वातावरण मिल गया, ज्ञानी पुरुष का कॉन्टेक्ट हुआ, वाणी सुनने को मिली उसमें, और हम बहुत दुखी हैं, हमको छूटने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, डूब रहे हैं संसार में, हमको तीरना है, हमको बचा लो, और ऐसा करके वो धुनता धुनता ज्ञानी के पास पहुंचे, इसमें कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। पहले वाले का काम शायद नहीं होगा लेकिन दूसरे वाले का काम हो ही जाएगा। पहले वाले को एक काम और करना पड़ेगा, अवलोकन से पहले वो भावना में आना पड़ेगा, वो तड़पण में आना पड़ेगा कि मुझे बचा लो, इसके बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। और इसका तो तड़पण लेके ही आया है, बात सुनने के अंदर में उतर जाएगा सीधा। किसी का जल्दी काम होता है, इसका कारण क्या है कि उन्होंने वर्षों से तड़पण लेकर के वो घूम रहे थे, भटक रहे थे उधर उधर, और तड़पण थी, इतने में वो बात मिली और जल्दी काम हो गया। और जो जिसको तड़पण नहीं है उसको पहले अवलोकन करके साधना करके योग्यता में आकर के वो तड़पण डेवलप करना पड़ेगा। संसार के सभी विषय कसाई के ऊपर वैराग्य आवे, उदासीनता आवे, ऐसा काम करना पड़ेगा पहले, इसके बाद उसका काम शुरू होगा। असल में तो इसके पहले वेद ज्ञान का काम शुरू ही नहीं होगा। देखो ये तड़पण के बिना संवेग नहीं आएगा। सामान्य तौर पे हम जो चलते हैं वो चाल जो हमारी है चलने की, तो कभी प्रसंग पड़ता है तो थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। लेकिन पीछे सांप पड़ जाए तो या बाघ पड़ जाए तो देखो फिर कैसा होता है, फिर चलना होता है कि दौड़ना होता है। अरे मोटा शरीर है तो भी भाग बचा अपने को, ऐसा नहीं होता है। ये फोर्स कहाँ से आया, चोट लगी, वो तो भी होता है, अपेक्षा संतोष में नहीं आती, हो गहरी चोट पड़ती है तो भी जीव पलट जाता है, उसको बहुत गहरा आघात लग जाता है तो भी पलटता है जीव। मतलब जिंदगी में ऐसी चोट जरूरी है। अपना पतों का महल बनाया है ना, आशाओं का बड़ा महल मीनारे बनाया है ना, अपनी नजर के सामने गिरते हुए नजर आए तो क्या होता है, या अवलोकन में वही होता है कि हमारी आशाओं का चूरो चूर हो जाता है पूरा। हम समझते थे कि ये कर लेंगे ना, वो कर लेंगे ना, ऐसा कर लेंगे ना, वैसा कर लेंगे, वास्तव में एक भी काम नहीं कर पाते, वो मालूम पड़ जाता है। तब लगता है कि फिर कब तक पहुंचेंगे, फिर ऐसा ही भटकते रहेंगे क्या हम, हिम्मत टूट जाती है। जिसकी हिम्मत टूटी है ना, जिसका अभिमान टूटता है, वही सदगुरु के शरण में आता है। शरण में आने के लिए पहले आपका अहंकार टूटना जरूरी है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये अवलोकन से जब अपना अहंकार टूटता है तो दूसरा रास्ता नहीं रहता है, फिर बचने का एक ही रास्ता रहता है, सब सदगुरु के शरण में आता है, तब रास्ता दिखाओ। तो दुख पड़ता है, प्रतिकूलता आती है, वो तो अपने ज्ञान की कसौटी है, अनुकूलता नहीं चाहिए, अनुकूलता में फंस जाओगे, सालों के साल निकल जाएंगे, प्रतिकूलता में आप जागृत रहोगे, आत्मा की शरण में जाओगे। जब जब ज्ञानियों के ऊपर उपसर्ग हुए हैं, परिसर आया है, तो उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने किसी का सहारा लिया है, किसका भी सहारा नहीं लिया, कौन सहारा देगा अपने आत्मा के अलावा। तो ध्यान उस टाइम में आत्मा में जाता है, संवेग से जाता है, पीछे भाग पड़ रहे और हम भागते हैं, जब जो चल भी नहीं सकते तो भागते हैं, वो स्पीड कहां से आती है, ये संवेग होता है उत्पन्न। ये संवेग उत्पन्न हुए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें ध्यान भी बराबर नहीं होगा, केयरलेसपन आएगा, प्रमाद हो जाएगा, और पीछे तलवार गिरे तो
तो भागम दौड़ी हो जाएगी, तो फटाफट काम करेगा। तो ये बात इसके अंदर रहती है, इसीलिए प्रतिकूलता से कभी घबराने का नहीं है, वो तो हमारा मित्र है, ऐसा हो जाता है। तो ये दूसरा जो अनादि अभ्यास है जिसका, एक तो सत्संग नहीं है सदगुरु के विरह में, अंतराय समागम का अंतराय है, तो और दूसरा अनादि अभ्यास है जिसका, ऐसा सहजाकार प्रवृत्ति राग द्वेष वाली, जिससे जीव आवरण प्राप्त होता है। जितना राग द्वेष बढ़ेगा, कसाय बढ़ेगा, उतना आवरण आएगा ज्ञान के ऊपर, तो आवरण प्राप्त होता है। घर का, जाति का तथा दूसरे वैसे कामों का कारण होने पर, जब तक कारण नहीं मिले तब तक हिलना नहीं है, तब तक अपनी साधना करना है। कारण आया तो ही उठना है, तो ही क्रिया करना है, प्रवृत्ति करना है। वो भी कैसे करना है? उदासीन भाव से, और उनको प्रतिबंध रूप जान करके करना है। ऐसा नहीं समझना कि अब तो मैं ज्ञाता दृष्टा भाव से करता हूं ना, तो कर सकता हूं ना, ऐसा प्रश्न पूछा है सोगाणी जी को, गुरुदेव को, सोगाणी जी को खास पूछा है कि ज्ञान दशा होने के बाद तो व्यापार कर सकते हैं ना ज्ञाता दृष्टा भाव में लेकर के, क्या पूछा है कि ज्ञान दशा के बाद तो फिर तो लाइन क्लियर हो गई ना, अब तो ज्ञाता दृष्टा भाव से कर सकते हैं ना व्यापार धंधा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अज्ञानी फंस जाता है, ज्ञानी तो नहीं फंसते ना, फिर तो कर सकते हैं ना। पूछ रहा कौन है वो? अज्ञानी। और कैसा अज्ञानी? कि जिसको व्यापार धंधा करने में रस है वो पूछ रहा है। इसके पीछे नस कहाँ पड़ी है वहां पर, करना धरना बाकी है। ठीक है अभी फंस जाएंगे लेकिन बाद में तो कर सकते ना, मतलब रुचि कहाँ पड़ी है पैसा कमाने में, इंपोर्टेंस कहाँ चले गई? चलो अभी नहीं, अभी खतरा है लेकिन बाद में तो कर सकते हैं ना। और ज्ञाता दृष्टा भाव से करे तो क्या तकलीफ है? नहीं हाँ, ये बात गड़बड़ हो जाएगी ऑफिस। उदासीन भाव से कारण आने पर ही जुड़ना है प्रवृत्ति में, और उदासीन भाव में जुड़ने पर भी, चॉइस लेस होने पर भी समझना क्या है? प्रतिबंध रूप जान करके प्रवृत्ति करना है। उदासीनता है इसलिए मैं बच गया, सेफ हो गया, ऐसा नहीं, नुकसान हो रहा है समझना, ये मेरे आगे बढ़ने में रुकावट है। नहीं, वो कर्ता बुद्धि से करे तो रुकावट है, और उदासीन भाव से रहे तो रुकावट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बहुत खास समझने की पॉइंट है। जब सत्समागम का बल नहीं मिलता है तब हम उदय कर्म बांध के आए हैं, तो कोई ना कोई उदय तो चल ही रहा है, प्रवृत्ति तो है ही ग्रह दशा की प्रवृत्ति में, तो घर का, जाति का और दूसरे ऐसे कोई भी काम उड़े आते हैं, कारण मिलता है तो करना पड़ता है, लेकिन कैसे करना? तो उदासीन भाव से करना। तो उदासीन भाव से करोगे तो क्या होगा? तो बचे रहोगे, तो रस नहीं आएगा, वैराग्य का अभिमान नहीं चढ़ेगा, द्वेष नहीं होगा किसी के प्रति, तो बच गया ना। बचा नहीं, उपयोग जितना भाग गया उतना तो नुकसान ही हुआ है। चाहे कर्ता बुद्धि से करो, चाहे उदासीन भाव से करो, उपयोग जितना बार गया नुकसान नहीं है, क्योंकि इतने अंदर साधना कटिंग हो गई है वहां पर। इसलिए उदासीन भाव से हुआ, इसलिए मैं अभी बराबर चल रहा हूँ, अब मेरा काम बराबर लेवल, गाड़ी बराबर आ गई है, अब मुझे राग द्वेष नहीं होते हैं, करना धरना कुछ नहीं रहा, सब ज्ञाता दृष्टा भाव से अपने आप जैसा कि हो रहा है, गाड़ी चल रही है और मैं देखते जाता हूँ। अब तो मैं बच गया, अब मेरी गाड़ी बराबर चल रही है। नहीं है भैया, अभी इतना होने पर भी तेरा उपयोग कहाँ रहता है? इतना होने पर भी, इतनी सावधानी होने पर भी तेरा उपयोग किधर है? तुम ज्ञान दशा में आ गए हो, इतना अच्छा काम तुम्हारा चल रहा है, तो अभी तो तुमको परमात्मा बनने का है ना, यही रहने का है ज्ञान दशा में ही, आगे नहीं बढ़ोगे तो ये गड़बड़ नहीं चलेगी। तो उदासीन भाव से कार्य करना है, लेकिन ऐसा मत मानो कि मैं सेफ हो गया हूं। उपयोग बाहर गया तो जम का दूत आया समझो, क्या बोलते सोगाणी जी? कि हमारा उपयोग बाहर रहता है वो जम का दूत है। उपयोग बाहर क्यों गया? क्या रखा है हमारा बाहर में? कहां से सुख आता है? बाहर में कहीं से सुख आता है? सुख तो अंदर आत्मा में है, तो दृष्टि आत्मा से निकली कैसे बाहर? बाहर गई कैसे? क्या मिल रहा है? बस ये पॉइंट को ख्याल में रखना।
तो आप बचे रहोगे, बाकी बचने का कोई चांस नहीं है। इतनी सावधानी करना है, इतनी इतना 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 प्रेशर हमारे ऊपर भैया, कीमत चुकाओगे तो ही परमात्मा बनोगे। ये परमात्मा होने का रास्ता ऐसा है नहीं, आपको अगर ज्ञान दशा में ऐसा का ऐसा रहना है तो प्रमाद करो भले आपको, लेकिन ऐसा का वैसा रहना है तो जहां का वहीं, आगे नहीं बढ़ना है तो फिर प्रमाद करो, और नहीं तो फिर ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो बच नहीं सकोगे। सत्संग नहीं मिलेगा एक तो, समागम का अंतरा है, और बाहर में रागदेश वाली प्रवृत्ति पूरी की पूरी चालू है, चारों ओर से कर्मों का उदय है, और इसमें इतनी सावधानी नहीं रखोगे और चला करके रुचि पूर्वक के कोई काम प्रवृत्ति में जुड़ोगे और उदासीनता नहीं आएगी और चॉइस करने जाओगे, कुछ काम करना है और कुछ नहीं करना है, और द्वेष बुद्धि हो जाएगी किधर, कहीं रुचि हो जाएगी, कहीं त्याग वृत्ति हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। त्याग वृत्ति ऑटोमेटिक आने दो, त्याग वृत्ति को आपको छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, घर बार को आपकी अंतर स्थिरता बढ़े और त्याग वृत्ति आवे वो काम की है। सामने से कोई आर्टिफिशियली कृत्रिमता से कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है, छोड़ के भागने में देर है अभी, अभी पहले आत्मा का ठिकाना तो बना लो। अच्छा कहाँ जाओगे, घर बार छोड़ोगे तो फिर वो एक घर को छोड़ोगे तो 100 कुटुंब कर लोगे, दिशा ले लोगे, तो आत्मा का घर नहीं मिला तो वही होने वाला है, भटकोगे, और आत्मा मिल गया तो वहां रहोगे। भूख का वेदना होगी तो कहाँ जाओगे, फिर खाना दो ऐसा करोगे, भूख की वेदना को किससे शांत करोगे, आत्मा के अनुभव से शांत करोगे, लेकिन वो किसको हो सके, जिसको आत्मा मिला वो उसको हो सकेगा, उसका उपवास सही है। कैसा आनंद में लग गया, लीन हो गया आत्मा में, कि फिर भूख का विचार ही नहीं आया, वेदना मालूम ही नहीं पड़ी, और खाना अपने आप छूट गया और उसका दिन हो बिना खाए चले गए, तो हो गया उपवास। खाना छोड़ना कोई उपवास नहीं हो तो फिर किसी को खाना मांगे तो भी नहीं मिलता है, चार चार दिन निकल जाते हैं गरीब अवस्था में, तो उसको धर्मात्मा हो गया वो। खाना पीना छोड़ना वो उपवास, वो नहीं है उपवास, नरक में तो खाना ही नहीं मिलता है, तो क्या वो धर्मात्मा सब, वो बात नहीं है। खाना छोड़ना उपवास नहीं है, आत्मा के आनंद में रहना लीन, खाने का विकल्प तक नहीं आवे, खाऊं ऐसा तो नहीं होवे क्योंकि उपवास है, लेकिन नहीं खाऊं ऐसा भी नहीं आवे, देखो ये चॉइस हो गई। उपवास का पचकान ले लिया फिर क्या होता है, रोज खाता है और आज नहीं खाएगा तो खाने का खाऊं ऐसा विचार नहीं आएगा, लेकिन दूसरा विचार जरूर आएगा, कौन सा आएगा, नहीं खाऊं, मर गया वो। खाने में भी नजर खाने पे है, और नहीं खाने में भी नजर किस पे है, आत्मा में तो नहीं है, नहीं गड़बड़ है, एक पाप की प्रवृत्ति, एक पुण्य की प्रवृत्ति, धर्म की प्रवृत्ति नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगी। उदासीनता का मतलब है चॉइस लेस, और सहज में त्याग वृत्ति हो जाए, सहज में त्याग की घटना घट रहे, हमको किसी से द्वेष नहीं है, न घर वालों से, न अड़ोस पड़ोस से, न समाज से, न कुटुंब से, न परिवार वालों से, न शरीर से, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन भी हमारा दुश्मन नहीं है। इतना उदासीन भाव में रहे, किसी से भागने वाली बात नहीं है, जिम्मेदारी का नाता तोड़ने की बात नहीं है, कहाँ जाओगे जाके, हाँ लेकिन आत्मा में रहने की बात जरूर है। तो घर वालों को, अड़ोस पड़ोस को, किसी को भी ऐसा लगना चाहिए कि आप नफरत करके उनसे दूर नहीं भागते हो, आप आत्मा का ज्यादा आनंद लेने के लिए वहां ज्यादा उपयोग लगाते हो, इसीलिए आप ध्यान बार में कम देते हो। क्या उनको क्या असर आनी चाहिए, वो काम से जिम्मेदारी से भागते नहीं है, लेकिन क्या करें, दो जगह उपयोग लगता नहीं, और हमारा उपयोग कहाँ लग गया है, आत्मा में, हमारी हमारी साधना कर रहे हैं हम, परमात्मा बनने की साधना कर रहे हैं, तो फिर क्या करें, समय तो 24 घंटे का है ना, और 25 घंटे का नहीं है, तो हमको तो 24 घंटे में ही साधना करनी है आगे बढ़ने के लिए, तो फिर हम अंदर की साधना कर रहे हैं, उसमें थोड़ा ध्यान बाहर जाता है, इसीलिए आपको तकलीफ पड़ती है तो माफ कर देना, लेकिन हमारा आपसे कोई द्वेष भाव नहीं है, ये बात हमारे परिणमन से मालूम, सहज मालूम पड़ जानी चाहिए लोगों को, दंधेरा पीटने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारा परिणमन का वो चेकिंग करते ही है, क्या सहज में ऐसा मालूम पड़ जाना चाहिए कि हम उदासीन भाव में है, ऐसा मालूम पड़ना चाहिए,
ये ऐसी प्रवृत्ति करनी है और ऐसी प्रवृत्ति भी प्रतिबंध रूप जान करके करनी है। ये सोगानी जी की बात ले तो सुबह से ध्यान में चले आते थे, एक तो किराए के मकान में रहते थे और सदगुरु का समागम नहीं मिलता था, 7 साल में सिर्फ 2 ही बार मिला। गुरु का प्रवचन पहला सुन के आत्मज्ञान किया, बाद में गए सो गए, 2 साल तक मुंह नहीं देखा गुरु का। उसके बाद सो गए 15 दिन मिलकर गए सो गए, 5 साल तक मुंह नहीं देखा। देखो ये क्या है, ये समागम का अंतराय है, ऐसे ही पूर्व कर्म करके आया था। और लेटर लिखो, एक एक लेटर देखो उस दरमियान के, तो गुरु के विरह में इतने तड़पते थे कि आंख में से आंसू निकलते थे। है बुक मेरे पास, यहाँ पर लाया हूँ मैं। और अपने विकल्प उधर उधर आते थे तो बोलते थे, हे विकल्प, ऐसा बोलते थे, अगर तुझे जिंदा रहना है, तुझे तेरी आयु पसंद है तो मुझे जल्दी से गुरु के चरणों में ले चल, क्या नहीं तो गुरु का दिया हुआ वितरागी अस्त्र तेरा सिरच्छेद कर देगा शीघ्र ही। मतलब क्या कि तुम दुनियादारी के विचार मत कर, करना है तो गुरु चरणों का विचार कर, गुरु की उसको याद कर, गुरु को ये सब लफड़े मत पर, करना है विचार तो, नहीं तो क्या करूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं रखूंगा। गुरु ने हमको ऐसा मंत्र दिया है आत्मध्यान करने का, तो आत्मध्यान की वो कला लगाऊंगा ना, मंत्र बोलूंगा ना, तो तू बिल्कुल जिंदा ही नहीं रहेगा, मर जाएगा, निर्विकल्प हो जाऊंगा मैं, तेरे को खत्म कर डालूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं माना तो। ये बात मैंने कही है, गुरु के लिए इतने तड़पते थे। वैसे सोगाणी जी को समागम नहीं मिलता था तो क्या करते थे, गरीब अवस्था थी, पूरे परिवार का बोझ था, कुटुंबिक जवाबदारी थी और आर्थिक स्थिति बहुत वीक थी, किराए के मकान में रहते थे, फिर भी अगस्ती के ऊपर उन्होंने 4x4 का रूम बनाया, किसके लिए, ध्यान करने के लिए, देखना है। और सुबह 4 बजे उठ करके वो रूम में चले जाते तो कभी 10 बजे निकलते, कभी 12 बजे निकलते, चाय पीने का भी शुद्ध नहीं रहता है। और घर वाले का रोज का हालत देख करके घर वाले बोलते थे कि क्या लगा के रखा है, ऐसा घर वाले डांटते थे उन्हें, हाँ सा ये क्या करते हो, लोग दुकान खोल दिया, बोनी भी हो गई और तुम 12 बजे अभी घर से बाहर निकलते हो, घर में ही पड़े हो, ये धंधा करने की रीत है क्या, ऐसा हो रोज का लगभग करीब करीब रोज का प्रॉब्लम था। अब हुआ क्या, एक दिन तो उनके बोला गया उनसे मुंह से, वो लिखा है उस बुक के अंदर, भैया मेरे को हाथ जोड़ता हूँ, ये घर वालों, ये कुटुंबी जनों, ऐसा कर मेरे को लूला लंगड़ा समझ करके उन कारणों को मुख्य बनाकर कोई प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। सत्संग में आना था लेकिन क्या करूं, ये कारण आ पड़ा समाज का, वो तो करना ही पड़ता है ना, इसलिए मैं नहीं आ रहा। तो कारणों को मुख्यता दे दी, कुछ की संसार के कारणों, नहीं चलेगा ऐसा। और ऐसा हुए बिना मेरी जागृति कम हो गई है, मेरी स्थिरता कम हो गई है, क्योंकि मुझे सत्संग नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे कर्मों का उदय आ पड़ा है, मैंने भूतकाल में बहुत पाप किए होंगे तो अभी अंतराय आ रहा है, एक बार नहीं चलेगा तो फिर वो प्रवृत्ति मुख्य हो जाएगी, तो फिर आप सरेंडर हो जाओगे। ये क्या होता है, गांची के बेल होते हैं तेल पीने के, नहीं वो बेल जो होते हैं उनको आदत पड़ जाती है, जैसा वो घोंसला लेके आता है ना सुबह में लगाने के, तो बेल को बोलना नहीं पड़ता है कि तुम नीचे झुको तो मैं तुम्हारे ऊपर रखूंगा, क्या बेल को ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो देखता है कि वो लेके आ रहा है, खुद ही सर नीचे कर देते हैं, क्या इन्होंने गुलामी को स्वीकार कर लिया है, सामना नहीं करते हैं, बड़बड़ नहीं करते, विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि वो आने के बाद तो दिन भर घूमना ही पड़ेगा उतने में, गोल 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 गोल, लेकिन वो भी उनको आदत हो गई झुकने की, डाल दिया हथियार डाल दिए। तो अगर हमारी प्रवृत्ति बाहर की बढ़ रही है, हमारा उपयोग बाहर भटक रहा है और
हम ऐसा अगर बोलेंगे कि हमारा कर्मों का उदय ऐसा है, हमारी जागृति नहीं रहती है क्योंकि हमको सत्संग बराबर नहीं मिलता है, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है, ऐसा अगर आप बोलोगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? आप सरेंडर हो गए, डाल दिया हथियार। भाई आप तो क्या छूटने का सवाल ही नहीं है, तो छूटने की भावना, बचने की भावना, उदासीन रहने की भावना, अपने आत्मा की शक्ति से प्रतिकार करने की भावना, वो सब खत्म हो जाएगी, पुरुषार्थी गायब हो जाएगा, तो और गिर जाओगे नीचे। कभी भी नहीं बोलना ऐसा कि हमको सत्संग नहीं मिलता ना इसलिए परिणाम खराब हो गए, कर्म का उदय ऐसा है ना इसलिए परिणाम खराब है, या हमारे पर इतनी जिम्मेदारी है ना इसलिए हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं, क्या करें? इतना इतना आपको एक ही देखो मालूम पड़ेगा, ऐसा बोलेगा तो क्या होगा? वो सरेंडर हो गए। हमेशा अपनी गलती देखना उसके अंदर, जितना हमारा उपयोग बढ़ जाता है, जितने हमारे परिणाम खराब होते हैं, उसमें परिस्थिति कारणभूत नहीं है, उसमें हमारा जो उनके प्रति जो लगाव है अंश में भी और अंदर की स्थिरता में कमी है, वही कारणभूत है। ये समझ करके हमेशा वो बात को लेना, अपनी साइड को देखना। बाहर में तो सब कुछ है, आप कैसे हो, आपने क्यों फाइट नहीं किया, आप क्यों जागृति में नहीं रहे, आप क्यों उदासीनता में नहीं रहे, हमेशा अपनी ओर को देखना है तो बच जाओगे। अगर वो बहाना लिया कि हमारे परिणाम इसलिए खराब हुए कि हमको सत्संग रोज नहीं मिलता है, कोई ना कोई बहाना लिया बाहर का, तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं लेना है। उन कारणों को मुख्य बनाकर कोई प्रवृत्ति करना योग्य नहीं, और ऐसा हुए बिना प्रवृत्ति का अवकाश प्राप्त नहीं होगा। अगर इस प्रकार से अगर कोई ना कोई बहाना आपको मिल जाएगा तो करते रहो प्रवृत्ति, फिर छूटने का भाव ही नहीं आएगा। और हमारा ग्रोथ देखोगे तो फाइट चालू रहेगी, तो निवृत्ति में जाने की भावना रहेगी, तो आप निवृत्ति भावना होगी ऐसा कार्य होगा, तो भागने का होगा आपका, नहीं तो भागने का भी नहीं होगा आपका। तो हमेशा कहीं भी हम फंसते हैं उलझते हैं तो दोष किसका है? उदय के अधीन नहीं होना, नहीं तो फिर हम भी खो जाओगे। आप उदय के अधीन हो गए है, उदय भी है, ऐसा नहीं है कि आप उदय नहीं है, आपको तकलीफ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सत्संग नहीं मिलता है वो भी एक कारण है परिणाम बिगड़ने का, लेकिन अगर उन कारणों को मुख्य किया तो आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी नहीं, आप वश हो जाओगे, सरेंडर हो जाओगे, फिर प्रवृत्ति करते रहोगे, गुलामी करते रहोगे। ऐसा नहीं करना है, फाइट तो चालू रखना है, फाइट तो चालू रखना है, छोड़ने हथियार नहीं डाल देना है। ये बात इधर समझना, अगर हथियार डाल दिया तो प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति चालू रहेगी, निवृत्ति मिलेगी ही नहीं कभी। ये बात इधर कही है, ये कब कही है? ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हुए? एक सत्संग नहीं मिलने से हुए सारे के सारे प्रॉब्लम। वो जीव भाग्यवान है जिसको सत्संग रोज मिलता है, जिसको सदगुरु के दर्शन रोज मिलते हैं, जिसको वितरागी वाणी रोज मिलती है सुनने के लिए, उसको बहुत अपूर्व पुण्य है। क्यों? ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते, मोस्टली प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। रोज इंजेक्शन लेके आता है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोज का रोज प्रॉब्लम क्रिएट, रोज का रोज प्रश्न हो जाता है, और बहुत से बात में ऐसा होता है कि प्रश्न दिल में ही रह जाते, पूछना ही नहीं पड़ता है, सत्संग में वही टॉपिक आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को हर प्रकार का समाधान सत्संग में मिल जाता है। रोज का रोज प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, रोज का रोज फैसला हो गया, रोज का रोज अकाउंट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम टैक्स क्रिएट पड़े तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि बैलेंस मिला हुआ है, देख लो। वो तो फिर साथ में एक छह महीने का साथ में करे तो परेशानी होती है क्या? तो फिर वो हिसाब किताब मिलने में दो चार घंटे और बेजा खराब होता है। रोज का रोज करो तो कोई परेशानी नहीं, इसमें भी रोज का रोज अगर क्लियर हो जाए तो बैलेंस बढ़ता नहीं है कभी भी, जब भी देखो तो फ्री रहते हो बिल्कुल। ये बात इसके अंदर है। अब और भी महत्व का टॉपिक आगे चलते हुए इसके अंदर बहुत बेहतरीन, अभी जो पैराग्राफ आएगा वो बहुत अच्छा है। अभी शुरुआत तो कैसी कही, वो कल्याण की भावना थी कृष्णनाथ भाई की, तो कल्याण करने के लिए सत्संग जरूरी है, सत्संग में भी सामने वाले की प्रवृत्ति पे ध्यान नहीं देना, आपसी शांति का उपाय विधि जान लेना, अपना काम करना, स्वलग रखना, और कल्याण में जो बाधा रूप ऐसे अपने स्वयं के दोष है उसको देखना,
उसको दूर करना कैसे, उसका विचार करना, सरलता क्षमा अपने दोष देखना, अल्प आरम अल्प परिग्रह में रहना और सदगुरु की भक्ति में रहना और सदगुरु के चरण समीप का निवास रखना, ये बात बताई कल्याण के लिए। अंतराय होवे तो प्रवृत्ति करना पड़े तो उदासीन भाव से नुकसान समझ करके प्रवृत्ति में जुड़ना, इतनी सारी बात बताने के बाद अब जनरल चर्चा करते हैं। धर्म की बात, आत्म कल्याण की बात, फिर अपने धर्म में ये ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत से धर्म है जो आत्म कल्याण की बात करते हैं, हर जगह ऐसी बातें होती है, जैनों में होती है, सिंधियों में होती है, सिखों में होती है, क्रिश्चनों में होती है, मुसलमानों में भी होती है, हर धर्म में, पारसी में भी होती है, हर धर्म में होती है। लेकिन जो रियल जो फैक्ट है वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया है, आत्मा है क्या चीज और समझ नहीं पाया, इसकी बात उन्होंने की है यहाँ पर। आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना से विचार करने में जीव के तीन दोष है बड़े। देखो ऊपर जो तीन दोष बताया वो अनादि के दोष है, ये ऊपर से तीन प्लस में और दूसरे दोष है, देखना आप। नहीं वो तो है ही है, एडिशन में तीन दोष नए खड़े किया है इस जीव ने, वो तो अनादि के तीन दोष थे, मल विक्षेप और अज्ञान। और ये जो तीन दोष जो बताते हैं अभी वो एडिशन में नया इस जन्म में जन्म लेने के बाद नया पैदा किया है, पुरानी गलती इसके ऊपर एक नई गलती उसने नई जोड़ी है इसके ऊपर। अब क्या हुआ है कि आत्म कल्याण करने के इच्छुक शांति का चाहक जीव भटकता है शांति का रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन उसमें पहले से ही तीन प्रकार की गलती पड़ी है अनंत काल की, मल विक्षेप और अज्ञान। अज्ञान किस बात का, आत्मा का अज्ञान है वो बात की बात नहीं चल रही है, आत्मा तक पहुंचना कैसे, आत्म कल्याण का सही रास्ता कौन सा है उसका अज्ञान, वो तो है ही है, लेकिन ये तो विधि का विधि नहीं मालूम है, शांति का उपाय नहीं मालूम है, तो उसका अज्ञान एक तो ये। और उपाय अगर मिलता है तो उसका अमलीकरण में नहीं आ सकता है, जानकारी तो मिली सही लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसमें कारण क्या है, मल और विक्षेप। ये तो जीव के अनादि के दोष है। अब ये जीव, ऐसा जीव अगर शांति की खोज में शांति का रास्ता कहाँ है ऐसा समझ करके ढूंढने निकला और सही जगह पे नहीं पहुंचा, उधर 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 भटका प्रयत्न करने के बाद भी, और भटक तो रहा है, शांति की खोज में निकला है कुछ हासिल करने के लिए, ऐसा करते करते ऐसे जगह फट जाता है कि वहां से वो गलत जगह पे चिपके रहता है और सही जगह पे आ ही नहीं सकता है। इसमें कौन से कारण काम में आते हैं, ऐसे कौन सी गलती नहीं की उसने, निकला था शांति की खोज में और फिर वो शांति का सही रास्ते पे पहुंचे इसके पहले ही ऐसे जगह पे फंस गया, वहां से बाहर निकलना नहीं हो रहा है, तो कुछ नई गलती की, वो कौन सी गलती इसकी बात कर रहे हैं। बोल तो वो तीन गलती तो है प्लस ये नई तीन गलती की बात कर रहे हैं। वो तीन गलती है लोक संगना, ओक संगना और असत्संग, ये तीन गलती नहीं की, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसको बोलते हैं अग्रहित मिथ्यात्व, वो अग्रहित चालू है और ये वह ग्रहित, ये तीव्रता हो गई, गलती तो थी उसमें और एडिशन किया, प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो क्या कहते हैं कि आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना से विचार करने में लोक संगना, भोग संगना और असत्संग, ये तीन कारण मुख्य है। अब वो चाहता है कि मुझे आत्मज्ञान हो लेकिन हो नहीं पाएगा, इसमें तीन कारण मेन है। इसमें पहला नंबर का है लोक संगना, कहते हैं कि जिन कारणों में उदासीन हुए बिना, ये तीनों कारणों में उदासीन हुए बिना निसत्व ऐसी लोक संबंधी जब तब आदि क्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं है, इतना ही नहीं परंपरा से भी मोक्ष नहीं है, ऐसा दृढ़पणे से माने बिना
निसत्व असत्र और असदगुरु जो आत्मस्वरूप के आवरण के मुख्य कारण है, उन्हें साथ साथ आत्मघाती जाने बिना जीव को जीव के स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है। ये खोज में निकला है और फंसा किधर है, असदगुरु के पास फंस गया है। जो शास्त्र पढ़ा उसमें भी सब संसार बढ़ाने की बातें हैं, संसार से छूटने की बातें नहीं है। कुशास्त्र आ गया हाथ में, वो पढ़ता क्यों ऐसा शास्त्र, छूटने के लिए। वहां रिजल्ट क्या निकला, और फंस गया और कोई क्रिया कांड में फंस गया, जब तब आदि क्रियाओं कांड में फंस गया। किसी ने कह दिया इसे शांति मिलेगी तो वो करने लगा, किसने जो कहा वो करने लगा। कुछ टाइम तक करते हैं तो उसका मेंबर बन जाते हो, फिर वो उसमें बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप तो हमारी बिरादरी के हो, हमारे धर्म में आते हो, हमारा संप्रदाय छोड़ के कहाँ जाते हो भैया। तो आया था शुरुआत में धर्म करने के लिए, फिर ऐसे संप्रदाय में फंसा तो अब मालूम पड़ता है कि गलत है, फिर भी छोड़ नहीं पाता है क्योंकि शर्म आती है ना। सब लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, अब क्यों छोड़ रहे हो, वो छोड़ने देते भी नहीं आसानी से। आप जरा फिसले के वो बुलाने आएंगे आपको, भैया किधर जाते हो आजकल, क्या बात है, ये भटक गए रास्ता। कैसा भी करके उसको चुगली कर करके, कैसा भी चोंच मार मार के उसको हालत देख करके भी आ जाए लेके आएंगे वापिस। तुम उनको कैसे छोड़ सकते हो, क्या अब तक किया था, फिर गलत किया था तूने, उसको ऐसा फंसा देते है कि, और वो खुद भी पहले वाला जो प्रयोजन नहीं रहता है उसका, उनके उन असत्संग के कारण से क्या होता है, उसको भी थोड़ा मोह माया लग जाती है वहां की। खुद कमजोर रहता है तो क्या होता है, खुद रोगी अवस्था में बाहर घूमने फिरने निकलता है तो वातावरण के असर हुए बिना रहती नहीं, तो खुद को भी कुछ लगा हो जाता है। ये धर्म पलटा क्यों करता है, क्रिश्चियन लोग में सीधा हिसाब किताब है, आपकी शादी करा देंगे, आपको नौकरी दिला देंगे, लेकिन कंडीशन क्या, आपका धर्म छोड़ो हमारा धर्म में आओ। बस एक वो धर्म परिवर्तन के लिए लालच होता है वहां पर। ऐसे हर एक जगह अपना अपना रवैया है, उसमें उसको अपने कमजोरी कारण से वो फंस जाता है। अपने सिद्धांतों को मारो बोले, रोज दुखी क्या को होना, ऐसे कौन से भगवान हमको सुखी कर देते हैं। यहाँ तो प्रत्यक्ष मिलता है, वो तो भगवान जब करेंगे तब करेंगे सुखी, यहाँ तो सीधा मिलता है मामला। ऐसा करके धर्म परिवर्तन कर देते हैं। ये धर्म परिवर्तन के पीछे खुद को फाउंडेशन करेक्ट नहीं होने के कारण से गलती हो जाती है, इस प्रकार फंस जाता है जी। तो असदगुरु और निसत्व ऐसी जो एक क्रियाकांड, उसमें जीव फंस जाता है और आत्मकल्याण का विचार नहीं करता है। एंटर जब होता है तब आत्मकल्याण का विचार होता है, लेकिन बाद में वो आत्मकल्याण का विचार दब जाता है और एक्टिविटी, बाह्य एक्टिविटी जो लोगों को अच्छा लगता है, जिससे हमको, हम भले कैसे भी हो लेकिन वो एक्टिविटी करने से हमको लोग धर्मात्मा मानते हो, उसमें हमारा एक स्टेटस बनता है, मुमुक्षु है, साधर्मी है, धर्मात्मा है, इतना दान देता है, इतना उपवास करता है, इतनी क्रिया करता है, ये लेबल मिल गया और उसका जो लेबल का मजा आ गया ना, तो पहले वाली जो बात थी कि मुझे आत्मकल्याण करना है, वो भावना दब जाती है। बस ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये नई एडिशन में गलती हुई। क्या ये लिखे हैं कि इन कारणों में, तीन प्रकार के कारण है, लोक संगना, ओक संगना और असत्संग। ये कारण के कारण से ही लोगों को भ्रमणा हो जाती है, आत्मा के बारे में पक्का निर्धारण नहीं होता है कि आत्मा ऐसी चीज है, लोगों को पता ही नहीं आत्मा कौन है, वो तो आंख बंद करके जो क्रिया करना है कर देते हैं, जो पढ़ना है पढ़ डालते हैं, जहां जाना है जो सुनना है सुन लेते हैं। आत्मकल्याण के लिए कुछ कार्य करना है ऐसा तो बात ही नहीं है, तो कल्पना हो जाती है एक प्रकार। कल्पना माने क्या, जो हकीकत नहीं होती उसको कल्पना कहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसा कि मैं पहुंच जाऊंगा ऐसा करने से, और नजीक जा रहा हूं मंजिल की तरफ, थोड़ी देर लगेगी, रास्ता लंबा होगा तो, लेकिन धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा, सही तो चल रहा हूं, वो कल्पना है और पहुंचता किधर भी नहीं है, उल्टा उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये कल्पना क्यों हुई, लोक संगना, ओक संगना और असत्संग के कारण से। अब ये कारणों को भी चालू रखेगा, लोगों को भी नजर में अच्छा रहना है, और सही नहीं चल रहा है लेकिन सही चल रहा हूं ऐसा ओक संगना में रहना है, और सही जगह पे नहीं पहुंचना है, सदगुरु को नहीं ढूंढना है, सच्चे मार्ग को नहीं ढूंढना है,
और असत्संग में ही चालू रखना है अपने आप को प्रवृत्ति में ही, तो ये जीव भटक जाएगा, इसका कल्याण होने का सवाल नहीं है। इसलिए क्या कहा इधर कि इन कारणों में उदासीन हुए बिना निसत्व ऐसी लोक संबंधी जप तप आदि क्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं है, परंपरा से ही मोक्ष नहीं है ऐसा माने बिना, और निसत्व असत शास्त्र और असदगुरु जो आत्मस्वरूप के आवरण के मुख्य कारण है उनको साक्षात आत्मघाती जाने बिना हत्यारे हैं, लुटा रहे हैं, कुनी है वो, तो गुरु उसको क्या बोला आत्मघाती, ऐसा उनको माने बिना जीव को जीव के स्वरूप का निश्चय होना कि मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय होना बहुत दुष्कर है, भटक जाएगा रास्ता। ज्ञानी पुरुष के प्रगट आत्मस्वरूप को कहने वाले वचन भी जब ऐसे मामले में फंस गया है, अब उनको कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा और बिल्कुल शुद्ध प्योरिटी से बात बताएंगे, हर बात कल्याण का सही रास्ता बताएंगे, आत्मा का सच्चा स्वरूप बताएंगे, तो ज्ञानी पुरुष के प्रगट आत्म स्वरूप को कहने वाले वचन भी ऊपर के जो तीन गलती कर चुका ना वो लोक संगना ओक संगना और असत्संग, ये गलती के कारण से जीव को स्वरूप का विचार करने के लिए बलवान नहीं होते हैं, वो ज्ञानी के वचन भी फैल चले जाते हैं, ज्ञानी का तीर लगता नहीं उसको, रामबाण लगता नहीं उसको, क्योंकि वो गलती कर चुका हो, वो लोगों के क्रियाकांड में लोगों को अच्छा लगाने में धर्मात्मा का लेबल मिलता है उसमें फंस गया हो, या फिर वो गलत चल रहा है और सही मानता है उसमें फंस गया, कि हमको सब मालूम है, हमको सब मालूम है, हमको सब मालूम है, हम बराबर चल रहे हैं, अभी हमको जिज्ञासा नहीं है कुछ, सब कुछ जो जानना था जान लिया है और जाना कुछ भी नहीं, फिर भी वो मानता है ऐसा, तो योग संगना है, और अभिमान में आ गया है कि मैं सही चल रहा हूं, तो फिर वो किधर भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सब जगह रास्ते अलग अलग है, बाकी बात तो वही है, सब जगह माथा टेको, ये क्या असत्संग चल रहा है। ये तीन गलती के कारण से ऐसे जी को अगर सदगुरु भी मिल जाएंगे, उस पर करुणा करेंगे, सच्चा रास्ता बताएंगे, फिर भी वो सुनने के बाद भी बुद्धि है सुनने की समझने की, इसके बाद भी वो पलट नहीं पाएगा, उसका आपको फ्रेंड ही है, नाम नहीं बोलता हूं, उसका ही हाल है, ये तीन गलती ये हो गई, लोक संगना ओक संगना और असत्संग, ये तीन कारण से वो जीव पलटने वाला नहीं है, खलास हो गई बात, ये बात इधर हो गई। अब इसके लिए ये गलती न हो उसके लिए क्या करना, इसका उपाय, क्योंकि ऐसे तो बहुत जगह पर मिलेंगे ऐसे ऐसे जीव जिनको अपने संप्रदाय का आग्रह होगा, क्रियाकांड का आग्रह होगा, या वो जाते होंगे गलत रास्ते पे, लेकिन सही बात सुनने के भी राजी नहीं है, सुनना ही नहीं है, सुनने और बाद में भी कंपेयर करे बात ही नहीं है, सुनना ही पसंद नहीं करते, हम बराबर है चल रहे बराबर, अब हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको नई बात में नहीं सुनना है, तो ओक संगना, और दूसरा असत्संग, सत्संग तो उनके पास सही नहीं, कहां से सही बात सुनने को तो मिली नहीं और सुनना भी नहीं चाहते हैं, और असत्संग चालू है, सत्संग नहीं है तो असत्संग चालू है, तो ये तीन गलती वाले जीव तो आपको जगह जगह पे मिलेंगे, और ऐसी गलती हमारे से नहीं होगी उसके लिए क्या किया, देखो उन्होंने पूछा है ना कृष्णदास भाई ने कि कल्याण के लिए क्या करना, तो जीव कल्याण के लिए ही जाएगा ऐसा, और कहीं ऐसा फंस जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा, फंसना नहीं, लोक संगना में नहीं आना, उक संगना में नहीं आना, और सत्संग नहीं करना, तो फिर हम करना क्या, फिर अब करना क्या उसको बताते हैं, वो गलती से बचने का क्या करना वो बताते हैं। देखो लाइन एकदम क्लियर कर दी है यहाँ पर, जीव के अनादि के दोष मिटाने का कारण बताए, और नई गलती नहीं होवे, नई गलती कैसी होती है वो बताए, और उस गलती से बचने के लिए क्या करना वो अब बता रहे हैं, अब क्या बता रहे हैं देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब जो भी है अब ऐसा निश्चय करना योग्य है जीव को अगर कल्याण करना है वास्तव में, तो कि जिसे आत्मस्वरूप प्राप्त है, जिसको प्रगट वेदन आ रहा है, आत्मा का अनुभव है, उस पुरुष के बिना अन्य कोई उस आत्मस्वरूप को यथार्थ कहने के योग्य नहीं है। आत्मा की बात सुनना है तो किसको पकड़ना, पहले ज्ञानी पुरुष को पकड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जजमेंट करने की ताकत नहीं है, और गलत जगह चल गए तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि भाई हमारे में उतनी ताकत नहीं है कि कौन ज्ञानी हो कौन अज्ञानी, हमको कैसे मालूम पड़ेगा,
हमने कोई शास्त्र आदि पढ़े नहीं है, कोई विधि विधि जानते नहीं परीक्षा करने की, अब हम क्या करें? देखो हमको डायमंड खरीदना नहीं आता है और घर में साथ ये डायमंड खरीदना है तो क्या करोगे? नहीं आता तो हम फंस जाएंगे, फिर लेते नहीं हो क्या? सोना परखना नहीं आता है और घर में शादी ब्याह है और लेना है तो फिर नहीं, हमको परख करना नहीं आता है, पीतल लेके आएंगे तो जान तो नहीं लेंगे, ऐसा करते हो क्या करते हो? चार जगह जाओगे, जिसको पहचाने उसको लेके जाओगे, विश्वास पेड़ी है उसके पास जाकर के, फिर उधर भी कसाओगे, आजू बाजू चेकअप कराओगे, इसके बाद लोगे ना, लेकिन नहीं आता इसलिए नहीं लोगे, ऐसी बात तो नहीं, परख करना नहीं आता है। आत्मकल्याण करना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है जजमेंट करने की। और इस लाइन में सुविधा किस बात की है कि जिसको भावना सही है, शुद्ध भावना है, उसमें वो नजर आ जाती है। कौन सी नजर? परख करने की नजर। ए जीव गलत जगह पे कहीं फंसा नहीं, इतने जगह पे गया तो भी क्या कारण है? कौन बचाया? शुद्ध अंतकरण की भावना बचाई, और कोई नहीं बचाता है, जीव को कोई शरण नहीं। शुद्ध अंतकरण की भावना होगी वो वास्तव में शांति चाहता है और शांति का रास्ता वहां सुनेगा, गलत जगह पे वो गलत बात बताएंगे, चलो सुनेगा वो, उसका अमलीकरण करेगा, वो शांति नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? नहीं, आप बोल रहे आपके हिसाब से भले सही होगा, लेकिन आपके आप बताए उस रास्ते पे चलने से मुझे शांति नहीं मिली है, मैं आप कल से नहीं आऊंगा इधर, तो आप मना करे, हाथ जोड़ देता है, दूसरा जगह ढूंढता है, वहां भी नहीं मिला तो वहां भी वही, जब तक शांति नहीं मिलेगी वो शांति से बैठने वाला नहीं है। उसकी नजर बाहर के आडंबर के ऊपर नहीं है, त्याग तपस्या के ऊपर नहीं है, वेश के ऊपर नहीं है, जानकारी के ऊपर नहीं है। उसका मोटो क्या है? जानकारी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? शांति चाहिए। और जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक शांति से बैठेगा नहीं। तो जिसको ऐसी शुद्ध भावना है उसके ज्ञान में ऐसी निर्मलता जरूर होती है कि वो ज्ञानी कौन है अज्ञानी कौन हो एक सेकंड में पहचान लेता है। कई सालों से कोई ज्ञानी की बात सुनते हैं वो नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन वो जीव जो शुद्ध अंतकरण वाला है, शांति की खोज में निकला है, उसको तो फर्स्ट लेक्चर में ही पहचान लेता है कि ये ज्ञानी के वचन है, अब मुझे किधर भी जाना नहीं। ये बात इधर होती है, अब ऐसा निश्चय करना है कोई भी गलती न हो इसलिए क्या करना, अब ऐसा निश्चय करना है जिसको आत्म कल्याण करना है, आत्मदर्शन करना है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, उसको निश्चय क्या करना है कि जिसको आत्म स्वरूप प्रकट हो चुका है, आत्मज्ञान है, अनुभव है, उस पुरुष के बिना अन्य कोई भी उस आत्म स्वरूप को यथार्थ कहने के योग्य नहीं है, और उस पुरुष से आत्मा जाने बिना अन्य कोई कल्याण का उपाय नहीं है। लकीर की फकीर लिख लेना बिल्कुल, जिसने खुद ने आत्मा को नहीं जाना है वो आत्मा की बात कैसे बताएगा? जिसने जिसको खुद को शांति नहीं मिली हो अविनाशी, वो शांति का रास्ता कैसे बताएगा? हमको गले में दर्द है तो हम मोची के पास थोड़े जाएंगे, किधर जाएंगे? हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे हमको शांति चाहिए तो जिसको शांति मिली है उसके पास जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इस बात का तो हमको निश्चय करना है, शांति बाद में, पहले शांति का कहने वाला यथार्थ है कि नहीं, रास्ता बताने वाला थे इसी ठीक है कि नहीं है, उसने जो रास्ता बताया वो सही है कि नहीं, पहले वो जजमेंट करना पड़ेगा आपको। आत्मा को तो बाद में परखना, पहले ये काम करना पड़ेगा। उस पुरुष से आत्मा जाने बिना अगर ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष हमको नहीं मिला है प्रत्यक्ष में, और हमको ऐसा भ्रम हो जाए कि हमने ये शास्त्र पढ़ा और हमको आत्मज्ञान हो गया है और हम आत्मा का स्वरूप को जानते हैं, वो शरीर से भिन्न है, वो अविनाशी है, वो अजर अमर है, वो खाता पीता नहीं है, या ऐसा अगर वो शास्त्र पढ़ पढ़ करके हमको याद आ गया है कि शुद्ध है, निरंजन है, बुद्ध है, पवित्र है, लेकिन ज्ञानी पुरुष कहां से सीखे भाई, आपके गुरु कौन, वो पता नहीं है, हमने शास्त्र में से पढ़ लिया है, हमको मालूम है आत्मा कैसा है क्या? तो कहते हैं कि उस पुरुष से आत्मा जाने बिना, आत्मा जाना है ऐसा जो अभिमान, ऐसी जो कल्पना, ये मुमुक्षु जीव को सर्वथा त्याग करने योग्य है। शास्त्र पढ़ करके अगर आत्मा के बारे में जानते हो और ऐसा समझते हो कि हमको सब मालूम है, कोई बात में दम नहीं है, भूल जाना उस बात को,
ऐसा अभिमान करोगे तो आगे ही नहीं बढ़ोगे। इसलिए जिसको कल्याण करना है, मुमुक्षु है, उसको ये बात तो बिल्कुल भूल जाना है। देखो तैरने की क्रिया है ना, तैरने की क्रिया, किताब पढ़ के कोई तैरना सीख जाता है, साइकिल चलाने का, रोटी बनाने का, इम्पॉसिबल है। किताब पढ़ करके कोई नहीं बना सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है और सही विधि की जरूरत है। इसमें भी इस प्रकार का रहता है, आत्मा अनुभव की जो कला है वो सीखना है। तो जिसको आत्मा का अनुभव हो चुका है, जिसको शांति मिली है, उसका दर्शन नहीं हुआ है, उससे मिलान नहीं हुआ है, उससे बातचीत नहीं हुई है, उसको पहचाना नहीं है, और हमको आत्मा के बारे में सब मालूम है, बिल्कुल गलत है, बड़ी नहीं सकता।